तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में से आपका फेवरेट सीन कौन सा था, तो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे थोर की वकांडा में एंट्री, कुछ लोग बोलेंगे आयरन मैन का वो नैनोटेक वाला सूट, और कुछ के हिसाब से टाइटन ग्रे पर लड़ा गया वो पूरा युद्ध। बट मेरा पर्सनल फेवरेट सीन जो कि आपको गूज़बम्प के साथ साथ मोटिवेशन भी देगा, जो कि इन सभी सीन्स पर भारी है, क्योंकि ऐसे ही कुछ मोटिवेशन की हमें हमारी रियल लाइफ में भी आवश्यकता है, तो इन्फिनिटी वॉर का वो सीन याद कीजिए जब थेनोस वकांडा में एंट्री लेता है। थेनोस जो कि उस समय नाम नहीं बल्कि एक लिटरल गॉड था, उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे और वो किसी भी कैरेक्टर को सेकंडों में धूल बना सकता था। हर कोई वहां था जस्ट स्टैंड स्टिल उसका सामना करने के लिए, उन्हें नहीं पता था आगे उन्हें क्या करना है। और तब हमें स्टीव रोजर्स का वो कैजुअल डायलॉग सुनाई देता है, आईज अप स्टे शार्प, और वो थेनोस के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। सीरियसली जस्ट थिंक अबाउट फॉर ए सेकंड, ऑफ कोर्स उसके पास सुपर सोल्जर सीरम में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, बट फिर भी वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही तो था जो कि खड़ा था मेड टाइटन के अगेंस्ट, ऑलमोस्ट इमोर्टल, अ गॉड ऑफ एमसीयू, क्योंकि वो उसे एक ऑब्स्टेकल की तरह देख रहा था, यानी कि एक और नई प्रॉब्लम जिसे उसे सॉल्व करना।